हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिक्स लेसन सेवन द ऑनेस्ट वुड कटर। इस लेसन का प्रश्न और उत्तर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, वो भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे लेसन का जो क्वेश्चन और आंसर है उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानकारी हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। तो आप लोग यदि लेसन नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पेज पर जाइए, आपको क्लास सिक्स लर्निंग इंग्लिश में आपको यह मिल जाएगा। तो लकड़हारा क्या कर रहा था? तो आंसर है द वुड कटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन अ वेरी हॉट डे। लकड़हारा बहुत गर्मी के दिन अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। ऑन अ वेरी हॉट डे यानी बहुत गर्मी के दिन द वुड कटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिरी? क्योंकि जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार से गिरी। तो आंसर है वाइल ही वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, जब वह नदी से पानी पी रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी फिसल कर गिरती है। हिज एक्स एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, तो उसकी कुल्हाड़ी दुर्घटनावश उससे के हाथ से छूटकर फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गई। तो उसकी कुल्हाड़ी दुर्घटनावश यानी आकस्मिक, अचानक जिसको कहते हैं आकस्मिक, तो उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अब लकड़हारा जो पानी पी रहा था गर्मी के दिन में, वह लकड़ी काट रहा था तो उसे प्यास लगी, वह नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए। जब वह पानी पी रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी छूट कर उसके हाथ से नदी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, लकड़हारा क्यों रो रहा था? जब उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है तो वह रोने लगता है। तो आंसर है द वुड कटर वाज वरीड टू थिंक हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली, लकड़हारा यह सोचकर चिंतित था कि वह अपने परिवार के लिए कैसे कमाएगा। जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है तो वह यह सोचकर रोने लगता है कि अपने परिवार का किस तरीके से पालन करेंगे। सो ही स्टार्टेड क्राइंग, तो वह रोने लगा, इसलिए वह रोने लगा। क्वेश्चन नंबर डी है हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर कौन आया? आंसर है द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर, नदी की देवी जल से बाहर आई। तो उस नदी के किनारे जब लकड़हारा रो रहा था तो कौन आता है? नदी की देवी जो है बाहर आती है पानी के बाहर। क्वेश्चन नंबर ई है व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, नदी की देवी क्यों प्रसन्न हुई? तो नदी की देवी जो है लकड़हारे के ऊपर क्यों प्रसन्न होती हैं? तो आंसर है द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर, नदी की देवी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुई। तो क्योंकि लकड़हारा जो था वह बहुत ही ईमानदार था तो उसकी ईमानदारी देखकर नदी की देवी बहुत प्रसन्न हुई। क्वेश्चन नंबर एफ है हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर, नदी की देवी ने लकड़हारे को कैसे इनाम दिया? अब जब वह नदी की देवी लकड़हारे के ऊपर उसको देखकर प्रसन्न हो जाती हैं तो किस प्रकार का इनाम दिया? तो आंसर है द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर By giving him all the three axes, नदी की देवी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ देकर पुरस्कृत किया। अब वह जो तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे से बारी बारी से निकाल कर पूछती कि यह तुम्हारी है, तो वह मना कर देता है। तो अंत में जो है नदी की देवी प्रसन्न होती हैं तो वो तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को पुरस्कृत यानी दे देती हैं इनाम के तौर पर। क्वेश्चन नंबर जी है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। डिस्कस यानी चर्चा करना, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे है आंसर ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्राइबल करेक्टर, ट्रस्ट
इन अस ईमानदारी हमारे सबसे वांछनीय चरित्र लक्षणों में से एक है। तो इसके जो ओनिस्टी यानी ईमानदारी के बारे में आपको चर्चा करना है, तो उसके बारे में यही बताया गया है, ईमानदारी हमारे सबसे वांछनीय चरित्र लक्षणों में से एक है, तो इसलिए हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए। इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, गॉड विल ऑलवेज रिवार्ड अस इन वन वे और द अदर। यदि हम ईमानदारी और सच्चे हैं, यहाँ पे है ना, इफ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, यदि हम ईमानदार और सच्चे हैं तो गॉड विल ऑलवेज, भगवान हमेशा रिवार्ड अस, हमें किसी न किसी प्रकार से इन वन वे और अदर रूप से पुरस्कृत करेंगे। तो हम लोग हमेशा अगर ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदार रहेंगे, तो भगवान किसी भी किसी रूप से किसी तरह से हमें हमेशा पुरस्कृत करते रहेंगे। देयर फॉर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस प्रकार से ईमानदारी जो है वह बहुत ही अच्छी नीति है, तो हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए, उसका फल जरूर मिलता है। क्वेश्चन नंबर एच है, द वुडकटर्स एक्स वाज मेड ऑफ, तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी किसकी बनी थी, तो यहाँ पे देखिए आयरन, इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे। द वुडकटर्स एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन लिख देंगे तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा, जैसे लकड़हारे की कुल्हाड़ी किसकी बनी थी, तो गोल्ड की बनी थी, यानी सॉरी आयरन की नहीं, लोहे की बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर आई है, रिवर गॉड, रिवर बीच, रिवर गॉडेस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि केम आउट ऑफ द रिवर, नदी से बाहर आ गई, तो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द रिवर, नदी की देवी पानी से बाहर आ गई। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले मैंने शुरू में रिवर गॉडेस, यहाँ पे दिया गया है रिवर गोड या रिवर विथ विच, तो यहाँ से इतना आपको लिखना है पहले। अगला है वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विपरीतार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं आप लोगों को उसका, जिसे वो बोलते हैं हम लोग शब्द विलोम, यानी सीधा का उल्टा, उल्टा या सीधा, तो उसका एक कुछ वर्ड दिए गए हैं उसी का अपोजिट लिखना है, उसके विरुद्ध वाला लिखना है। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जो भी डिसोनेस्ट का ऑनेस्ट होता है, किम का गो होता है यानी कम का गो, और कोल्ड का हॉट यानी ठंडा का गर्म होता है, आना का जाना होता है। डिसोनेस्ट यहाँ पे ईमानदार है, तो यहाँ पे डिसोनेस्ट हो जाएगा। लाफ, हंसना, क्राई, चिल्लाना। पनिश, दंड देना, दंडित करना। रिवार्ड, रिवार्ड मतलब पुरस्कार करना, पुरस्कारित करना। सैड, सेट मतलब होता है उदास या दुखी, और हैप्पी, प्रसन्न। इस प्रकार से आप लोग अपोजिट भर सकते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी भाषा अभ्यास, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस विद विच थिंग्स आर मेड, द्रव्यवाचक संज्ञा उस पदार्थ का नाम है जिससे वस्तुएं बनती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के नाम पे दिया गया जिसको द्रव्यवान कहते हैं, कॉटन हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर। तो यहाँ पे दिया गया, आगे फिर कहते हैं, चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो बॉक्स से द्रव्यमान संज्ञा चुनकर रिक्त स्थान भरे। तो आप लोग को यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है आपके क्वेश्चन में, यहाँ से उठा के वर्ड वहाँ पे डालना है, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल, लेदर, तो इस प्रकार से आप लोग को चूज करना है। देखिए यहाँ पे है द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो कुर्सी लकड़ी की बनी है, यहाँ पे वुड माने लकड़ी होता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड लगा हुआ है। इस प्रकार से आप लोगों को जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वहां पे भरना है, तो आप भर सकते हैं। द रेड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पे लाल बाल्टी प्लास्टिक से बनी है, तो यहाँ पे प्लास्टिक भरा हुआ है। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, ताजमहल मार्बल से बना हुआ, संगमरमर से बना हुआ है, तो यहाँ पे मार्बल दिया गया है। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर,
जैकेट चमड़े की बना है तो यहाँ पे देखिए लेदर आ गया। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, खिड़की शीशे की बनी है तो यहाँ पे ग्लास आ गया। इस प्रकार से आप लोग को खाली स्थान भरना है तो आप भर लीजिए। अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, वन इज डन फॉर यू। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दें, आपके लिए एक काम पूरा हो गया है, यानी आपके लिए एक पूरा किया गया है। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाएंगे। यहाँ पे नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पे नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या आपको आउटडोर गेम खेलना पसंद है। यहाँ पे यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, हाँ मुझे आउटडोर गेम खेलना पसंद है। इस प्रकार से आप लोगों को यस या नो में जवाब देना है, सवाल पूछा जाएगा उसको उसी प्रकार से यस या नो में देना है। हिज अरुण आ गुड डांसर, क्या अरुण एक अच्छा डांसर है। नो अरुण इज नॉट अ गुड डांसर, नहीं अरुण अच्छी डांसर नहीं है। तो आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू वॉच अ मूवी, क्या बच्चे फिल्म देखने जा रहे हैं। यस द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, हाँ बच्चे फिल्म देखने जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप लोग जब घर में बात करते हैं तो इस प्रकार से ही बात करते हैं, हाँ या नहीं में जवाब देते हैं, तो ढेर सारी सीख इससे भी आपको मिल सकती है। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या बच्चे कल कहाँ फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पे है नो द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, नहीं लड़के कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पे वर हो गया है व्हाट रहेगा, तो व्हाट द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या लड़के कल फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे है नो द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, नहीं लड़के कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बोरिलेशन का जो है प्रश्न और उत्तर के बारे में जानकारी हासिल किए, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, अगर इससे भी नहीं समझ में आता तो आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, इससे आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कमेंट करना ना भूलें।